हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का सिविल ब्लॉगर के नए वीडियो में। तो आज हम ब्लॉग वीडियो जो बनाने के लिए आए हैं दोस्तों, ये ब्लॉग वीडियो इस ब्रिज को दिखाने का मकसद होगा। ये ब्रिज बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रिज है दोस्तों। इस वीडियो में आप लोग बने रहिए, पूरा वीडियो का व्यू मैं आप लोग को दिखाऊँगा। जो है अपने आप में एक बहुत ही बड़ा खासियत माना जा रहा है, सिर्फ लाइन सिंगल पिलर के ऊपर है दोस्तों। और जगह आप देखते होंगे ब्रिज जो है डबल अटैच करके बनाता है, लेकिन ये सिक्स लाइन का ब्रिज जो है दोस्तों वन पिलर के है। और दोस्तों इसका कंस्ट्रक्शन जो है बहुत हैवी कंस्ट्रक्शन हुआ है, जॉइंट है ये देखिए, ये हमारा पियर हो गया, ये पियर कैप है। पियर कैप में दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं गोल गोल सा बॉल जैसा, वो केबल कसा हुआ है उसमें, जो ब्रिज का लोड जो है पूरा लोड इन्हीं के ऊपर आता है, केबल के ऊपर आता है। और दोस्तों ये जो ब्रिज इसको खास जो बनाता है, ये विंड्स जो है इसका, ये विंड जो साइड में लगा हुआ है ये बहुत ही खास बनाता है इसको सिक्स लाइन का। और इसका सेगमेंट देखिए दोस्तों, ये बीच वाला जो एक स्पैन से आप दूसरे स्पैन तक देखिए, ये बीच में जो आपको दिख रहा है ये सेगमेंट है बीच वाला, उसमें स्पिन लगा के एक्स्ट्रा स्लैब कास्टिंग किया गया है, जिस तरह से आप देख सकते हैं इसी तरह से दोनों साइड भी है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा नहर के तरफ और थोड़ा आप लोग को नहर का व्यू दिखा देते हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये नहर का व्यू। तो फ्रेंड्स, हम नहर के तरफ से आ गए हैं इधर के साइड, अब जा रहे हैं आगे चल के देखते हैं अगर कुछ मिलता है तो उसके बारे में थोड़ा आप लोग को जानकारी देते हैं। जैसा कि मेरे सामने दिख रहा है फ्रेंड्स, ये पाइल केज है। चलिए थोड़ा देखते हैं किस मॉडल से बना है ये पाइल केज। तो देखिए दोस्तों, ये पाइल केज काफ़ी हैवी लग रहा है, लेकिन स्टील जो है, स्टील इसमें आठ का यूज हुआ है फ्रेंड्स, ये आठ का स्टील है। ये जो स्टील आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये 32 का स्टील है वर्टिकल बार। और जो आप अंदर में देख रहे हैं 16 mm का मास्टर रिंग बना हुआ, उसके बाद ऊपर से 8 mm का, ये 8 mm का हेलिकल रिंग लपेटा हुआ है, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है फ्रेंड। ये इसी ब्रिज के लिए है जो आप बना देख रहे हैं, और ये ब्रिज अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बेंडिंग मशीन है जिस पे स्टील बेंड करते हैं। अभी तो लाइट नहीं है फ्रेंड, मैं तो भी मशीन में चला के आपको दिखाता हूँ। और दोस्तों इसी के साइड में देखिए, ये है कटिंग मशीन। कटिंग मशीन दोस्तों, इससे स्टील कटिंग करते हैं, कटिंग करके बेंडिंग मशीन पे बेंड करते हैं, फिर उसके बाद पाइल केज बनाते हैं। ये जो पाइल केज बना हुआ है दोस्तों, स्टॉक में देखिए बना हुआ है। इस पाइल केज में देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्टील लगा हुआ है, डबल लेयर स्टील लगा हुआ है, जो कि काफ़ी हैवी स्टील है, डबल लेयर में काफ़ी मजबूत हो जाता है दोस्तों। और ये देखिए 32 mm का स्टील, ये 32 mm लिखा हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, ये तो हो गया नीचे का, अब चलते हैं ब्रिज के ऊपर, और ब्रिज के ऊपर क्या कुछ है आप लोग को दिखाएंगे, बने रहिए इस वीडियो में। और जितने भी हमारे नए फ्रेंड्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, हम चढ़ेंगे इस सीढ़ी से ऊपर, और ऊपर चढ़ के आप लोग को ऊपर का व्यू ही देंगे। ऊपर चढ़ने से पहले दोस्तों एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो आप साइड में थोड़ा सा निकला हुआ देख रहे हैं और इधर भी निकला हुआ देख रहे हैं,
बाद में इस लेवल पे एक बार और कंक्रीट होगा, इसमें कंक्रीट होगा। और ये जो आप स्टील देख रहे हैं, इस स्टील से और नीचे वाले स्टील से मिला के और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टील लगा के इसमें एक बार कंक्रीट किया जाएगा। और कंक्रीट का फिनिशिंग वाला वीडियो मैं आप लोग को दिखा दूंगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं ऊपर। ओह काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, ये देखिए किस तरह से ऊपर का सीन है। ऊपर चढ़ने से पहले दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोग को और दिखा दूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये पेडेस्टल है, इसको पेडेस्टल बोलते हैं। और वो जो जैक पे रखा हुआ सेगमेंट दोस्तों, पूरा लोड जो है ना ब्रिज का, पूरा लोड यहीं पे आता है और यहाँ से ट्रांसफ़र होके नीचे जाता है। ये नीचे को ट्रांसफ़र करेगा, ये पियर कैप पियर को ट्रांसफ़र करेगा। तो इसी तरह से ये देखिए दोस्तों किस तरह से जैक लगा हुआ है, इतना नज़दीक बारीकी से आप लोग को दिखा रहा हूँ दोस्तों। अभी इसके ऊपर कचरा जमा हुआ है, बाद में इसे सफाई किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये देखिए फ्रेंड्स इसके अंदर में कैसा दिखता है, बिल्कुल गुफा की तरह है, इधर भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं ब्रिज के ऊपर। ये देखिए दोस्तों ब्रिज के ऊपर कैसा लुकिंग लग रहा है। आगे देखिए काम चल रहा है ब्रिज के ऊपर। और ये देखिए दोस्तों अभी इस पर डांबर वाला रोड नहीं बना है, डांबर वाला रोड बनेगा इस पर, उसके बाद गाड़ियां चलना चालू हो जाएंगे। अभी तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि कब तक नहीं चालू होगा, अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है। उधर से देखिए दोस्तों डांबर वाला रोड बनाते हुए आ रहे हैं। तो अभी हम लोग चलेंगे दोस्तों नहर के साइड, इस साइड चलेंगे। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं। और ये जो वीडियो बन रहा है दोस्तों, ये अभी मजदूर कर्नाटक में है। तो फ्रेंड्स चलते चलते कुछ नज़र आ गया। ये देखिए यहाँ पे एक्सटेंशन जॉइंट का काम बचा हुआ, इसमें जॉइंट करके अभी कास्टिंग करना है। और ये देखिए दोस्तों इधर डामर वाला रोड बना हुआ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं नहर के साइड। जैसा कि हम लोग ऊपर आए हैं तो सोचे आप लोग को थोड़ा नहर भी दिखा देते हैं ऊपर से कैसा लगता है। वैसे तो काफ़ी इमेजिंग लग रहा है दोस्तों, आप लोग भी देखिए कैसा लग रहा है। ये ऑल टू ऑल बारिश का पानी है दोस्तों, पहाड़ों में से आ रहा है। नाइट में बारिश बहुत तेज हुआ था। अभी फ्रेंड्स मैं इस ब्रिज के बीच सेंटर पे खड़ा हूँ। देखिए फ्रेंड्स इतना चौड़ा ब्रिज, थ्री लाइन्स इधर गाड़ियाँ चलेगी। और इतना चौड़ा ब्रिज दोस्तों बस एक पिलर पे है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। आप लोग को कैसा लग रहा है वीडियो में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स इधर देखिए इस साइड थोड़ा नारियल ज़्यादा होते हैं, जो कि आप लोग को दिख रहा होगा। और आगे हम इधर नहर के दूसरे साइड, उस साइड का तो आप लोग को मैं दिखा चुका हूँ और इस साइड का दिखा रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड कितना तेज़ी से पानी निकल रहा है, एक मिनट इस नदी में खड़ा नहीं रह सकता दोस्तों। जो अगर खड़ा रहेगा वो सीधे जाएगा। ओ काफ़ी इंटरेस्टिंग। ये देखिए फ्रेंड कितना लहर चल रहा है, काफ़ी तेज़ पानी भाग रहा है इधर से, और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ब्रिज के ऊपर से वीडियो आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड ये रिग मशीन है, अभी इसको सेटिंग कर रहा है, फाइलिंग में काम आता है।